उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अधिवक्ताओं ने महिला सीजीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के द्वारा मैनपुरी में तैनात सीजीएम के विरोध में बार एसोसिएशन अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि सीजीएम तरन्नुम खान के द्वारा सभी कार्यों में शिथिलता दिखाई जा रही है, जिसके चलते सभी अधिवक्ताओं के द्वारा ये भी निर्णय लिया गया है कि अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा और कोई भी अधिवक्ता सीजीएम कोर्ट में कार्यकर्ता पाया गया तो उसकी सदस्यता हमेशा के लिए रद्द कर दी जाएगी। आरोप लगाया है कि सीजीएम के द्वारा किसी भी वाहन के चालान के लिए डबल चार्ज लगाना आम बात हो गई है। बताते चले कि अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर एसोसिएशन अध्यक्ष के समक्ष समस्याओं को रखा है। सीजीएम को तत्काल हटाए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया गया है। मैनपुरी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हमने भी कोई चालानी अपनी तरफ की थी, पहले तो बड़ी मुश्किल से तो चालानी आती है, फिर वो भेजते नहीं हैं, जैसे तैसे जैसे भी ला के हम लोग मंगाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, मैंने कहा ऐसे उनका सर चालानी आ गई है, ये जुर्माना है इसमें, ये हमारी गाड़ी के सारे पेपर हैं, तो आप रिलीज कर दें। बोले आप रिलीज नहीं करेंगे आप, पहले तो गाड़ी मालिक जीत जाएगा। तो जब उन पर एक्सेसिव जो है वो जुर्माना होगा, तो मेरा कहना ये है कि डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से मिलने से कुछ नहीं होगा, उनके खिलाफ जो है बहिष्कार का प्रस्ताव दाखिल करें। जिस तारीख से तरन्नुम खान जी यहाँ आई इस जनपद में, मेरी समझ में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, अब उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है ये हमको पता नहीं। जिला जज भी उनसे डरते हैं, मेरी समझ में वो अपने महिला होने का नाजायज लाभ उठा रही है, कोई काम नहीं करना चाहते। अभी जो है अधिवक्ताओं द्वारा हम लोगों को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संदर्भ में आज बैठक आहूत की थी, और बैठक में ये निर्णय हुआ है कि जो अधिवक्ता पीड़ित थे उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, चालान समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है, पाता पत्तों की सुनवाई समय से नहीं हो पा रही है, इसके संदर्भ में रोष था, तो सदन द्वारा यह पारित किया गया है कि जब तक सीजीएम साहब की कोर्ट रिक्त नहीं होती तब तक उनके कोर्ट का न्यायिक बहिष्कार रहेगा। सर अभी एक बात और सामने आई थी कि कोई अधिवक्ता अगर कार्यकर्ता दी जाएगी सर। हाँ, ये स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी अधिवक्ता ये प्रस्ताव पारित होने के बाद उनकी कोर्ट में काम करता हुआ पाया गया तो उसकी सदस्यता इस सदन से हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। सर एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता को द्वारा दिया गया है, किस संबंध में दिया गया? सीजीएम बताया जा रहा है कि सीजीएम के खिलाफ दिया गया है, किस संबंध में? हमारे संघ के अधिवक्ता श्री हंसराज सिंह यादव जी द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया हम लोगों को कि अविलंब मीटिंग बुलाई जाए, जिस पर आज विचार किया गया। सीजीएम महोदया मैनपुरी द्वारा लगातार अपनी मनमानी की जा रही है, प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नहीं किया जा रहा समय से, जो चालानी आती है चालानी का भी समय से निस्तारण नहीं किया जाता है। यदि चालानी तलब करने का कोई अधिवक्ता अपनी एप्लीकेशन देता है तो लगभग 15 या 20 दिन की डेट लगा दी जाती है, उसके बाद में 2 महीने की डेट लगा दी जाती है, किसी भी चालानी का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जो बादकारी आते हैं उनका यदि कोई ट्रक फंसा हुआ है और ट्रक का चालान हो गया, चालान होने के बाद में 2 महीने तक वो ट्रक खड़ा रहता है, उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं, जिसके अधिकार की बात उठाते हैं हम लोग आके, और उसका 2 महीने ट्रक खड़ा रहे और वो भी उसकी किस्त किससे भरी जाएगी? अधिवक्ताओं को बहुत परेशान किया जाता है, हमारी सीजीएम महोदया सुनते सुनते अधभर बीच कोर्ट से उठ जाती हैं, 25 एप्लीकेशन लगाएंगे उससे ज़्यादा नहीं लगाती हैं, जबकि पर डे कम से कम 50-60 एप्लीकेशन मूव की जाती है अधिवक्ताओं के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता बहुत परेशान हो चुके हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन उनके कोर्ट के बहिष्कार का निर्णय लिया है, उनके कोर्ट का बहिष्कार कर दिया गया है अधिवक्ताओं द्वारा, अब अनिश्चितकालीन रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.